हमें इस मूवी में दिखाया जाता है एक लड़की को, जिसे बताया जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस लड़की की आत्मा अब भी उसके बॉडी में मौजूद थी। क्या वो लड़की सच में मर चुकी थी या बात कुछ और थी, जानने के लिए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करने का काम करता है, ताकि वो जिंदा लोगों की तरह अच्छे दिख सके। एलियट एक मरे हुए बूढ़े आदमी का फोटो लेता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एना और पॉल को देखते हैं, जो इंटीमेट हो रहे थे, पर एना खुश नहीं थी। पॉल एना से पूछता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन एना उसे कुछ नहीं बताती है। अगले सीन में हम एना को स्कूल में देखते हैं। एक्चुअली में एना प्राइमरी स्कूल टीचर होती है, जहाँ वो देखती है उसके स्टूडेंट जैक को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, क्योंकि जैक का बिहेवियर बाकी बच्चों से अलग था। एना और जैक की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्कूल में एना के साथ काफी अजीब चीजें होती है, अपने आप सारे लाइट ऑफ होने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो जैक को देखती है और वो जैक से कहती है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? जिस पर जैक कहता है, नहीं, मेरी मॉम मुझे लेने आने वाली है। एना वहाँ से मेडिकल शॉप जाती है और वो कुछ मेडिसिन खरीदती है। फिर वो पार्लर में जाके अपने बालों को रेड कलर करवाती है। इसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाती है। वहाँ भी एना को काफी अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। वहाँ एलियट भी मौजूद था, जो एना को अजीब हरकतें करते हुए नोटिस करता है। शाम को रेस्टोरेंट में एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसका डिनर पर इंतजार करता है। वो अपने साथ एक रिंग लाया था। आज वो एना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। एना वहाँ आती है और वो दोनों बात करते हैं। पॉल एना से कहता है कि वो शिकागो जाने वाला है। ये सुनते ही एना नाराज हो जाती है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, और एना पॉल की बात बिना सुने वहाँ से कार लेकर निकल जाती है। बाहर मौसम काफी खराब था, तेज बारिश हो रही थी। तभी एना अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करती है और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम एलियट को देखते हैं, जिसके पास एक नई बॉडी आई थी और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की होती है। इसके बाद एलियट एना के कपड़े को काटता है, जहां हम देखते हैं कि एना ने बहुत सुंदर एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। एना के सर पर चोट भी लगी थी। तभी एना की आंखें खुलती है और वो एलियट से पूछती है, मैं कहां पर हूं? जिस पर एलियट उससे कहता है, 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो। यहां पर सिर्फ तुम्हारी बॉडी पड़ी है। पर एना को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है, और यकीन हो भी कैसे, यहाँ तक कि एना एलियट से बात कर पा रही थी और उसे सुन पा रही थी। तब एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है, तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी, और जब तुम्हें दफन कर दिया जाएगा तब वो चली जाएगी। और एलियट उसे इसलिए बात कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक खास पावर थी, जो जीवन और मौत के बीच में फंसी हुई आत्माओं से बात कर सकता है, और एलियट ही है जो एना को सुन सकता है। एलियट वहां से चला जाता है, लेकिन एना को अभी यकीन नहीं था कि वो मर चुकी है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि ये सब बस उसका डरावना सपना है। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है, जिसे पता नहीं था कि एना मर चुकी है। वो एना को कॉल करता है, लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है और वो फोन कट कर देता है। इसके बाद पॉल एना के घर पहुंचता है, जहां पर उसे एना के मॉम से पता चलता है कि एना मर चुकी है। लेकिन पॉल को इस बात पर यकीन नहीं था, वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन एक बात अजीब थी, एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि उसके बेटी के मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इधर हम एना को देखते हैं, जिसकी बॉडी एलियट फ्यूनरल के लिए रेडी करता है। फिर वो एना के घाव को टाके लगाता है, पर एना को दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। इसके बाद एलियट एना के गले पर एक इंजेक्शन लगाता है। अब इसके बाद एना की मॉम आती है अपनी बेटी को देखने के लिए और कहती है, जाने वाला तो चला जाता है, पर दुख उसकी फैमिली को होता है, वो खुद भी नहीं समझ सकता। और जाते टाइम वो एलियट से कहती है कि एना के बालों को फिर से ब्लैक कलर के कर दिए जाए, क्योंकि एना रेड कलर के बालों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पॉल आता है एना की बॉडी को देखने के लिए, लेकिन एलियट उसे मिलने नहीं देता, क्योंकि फैमिली के अलावा दूसरा कोई बॉडी से नहीं मिल सकता। पॉल की आवाज़ सुनकर एना बेड से उठकर दरवाजे तक जाती है और आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ पॉल तक नहीं पहुँचती,
और वो वहाँ से चला जाता है। एना एलियट से पूछती है, तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया? तब वो एना से कहता है, तुम्हारी आत्मा जल्दी तुम्हारी बॉडी छोड़ देगी, लेकिन तुम अपने चाहने वालों से अटैच रहोगी तो तुम यहाँ फंस कर रह जाओगी। एना कहती है, तुम बकवास कर रहे हो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुमने मुझे कोई ड्रग दिया है, इसीलिए मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ पॉल अपने पुलिस ऑफिसर फ्रेंड से मिलने जाता है और उससे एना से मिलने का परमिशन मांगता है, पर दुख की बात ये थी कि उसे परमिशन नहीं मिलती है। इधर जब एना अकेली होती है तब वो एक सीजर उठा लेती है और आगे बढ़ती है। तभी वहाँ वो एक और डेड बॉडी देख कर डर जाती है। इसके बाद वो एलियट के आने का इंतजार करती है ताकि वो उस पर अटैक करके वहाँ से निकल जाए। जैसे ही वो हमला करती है, एलियट बच जाता है और उसे फिर से बताता है कि वो मर चुकी है, लेकिन एना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो अब भी सांसें ले पा रही थी। रात को वो देखती है डेड बॉडी उसके सामने खड़ी है, तभी वो उठ जाती है और ये उसका एक बुरा सपना था, लेकिन एना तो मर चुकी है तो वो सपना कैसे देख सकती है। फिर वो उठकर सारे सामानों को इधर उधर फेंक देती है। फिर हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसे एक बहुत बुरा सपना आता है। एना ने अपना दिल काट कर निकाले हुए खड़ी थी। ये सपना देख पॉल डर जाता है। दूसरी तरफ एलियट एना के पास होता है। कार में फ्यूल डलवाने बाहर जाने वाला था, तभी एना चुपके से उसके जेब से फ्यूनरल हॉल की चाबी निकाल लेती है और वो दरवाजा खोलकर सीधे एलियट के ऑफिस में पहुंचती है। वहाँ जाकर वो पॉल को कॉल करती है और उसे सब बताती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। पॉल को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो फोन कट कर देता है। तभी वहाँ एलियट आ जाता है और वो एना को आईना दिखाकर कहता है, देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भुलाकर मौत को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन तभी एना की सांसों की भाप आईने में जम जाती है और एलियट चुपके से उसे पोंछ देता है। तभी वहाँ पर नीचे एना का स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो एना को देख लेता है। अब एना पूरी तरीके से मान लेती है कि वो मर चुकी है और वो एलियट का साथ देती है। एलियट एना के बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। इसके बाद एना अपने सपने में पॉल को देखती है, लेकिन वहाँ पर एलियट होता है जो दूसरी बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। एना उससे कहती है, क्या मेरी मॉम मेरी मौत पर रोई थी? एलियट कहता है, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। इसके बाद एना उससे पूछती है, क्या पॉल मेरे मरने पर रोया था? एलियट एना से झूठ कहता है। वो कहता है, नहीं, वो भी नहीं रोया था। ये सब सुनने के बाद एना और भी दुखी हो जाती है। इसके बाद एलियट उसकी बॉडी में एक ड्रग इंजेक्ट करता है। इधर पॉल एना के स्कूल पहुंचता है उसकी सारी चीजों को लेने। वहां उसे जैक मिलता है जो उसे बताता है उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस पहने देखा था, लेकिन पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से में जैक को एक थप्पड़ मार देता है और उसे ऐसा करके बुरा भी लगता है। दूसरी तरफ हमें फ्यूनरल रूम में एलियट को दिखाया जाता है जो सभी बॉडी के फोटो क्लिक करके रखता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। एलियट जिस बॉडी को फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा था वो इस ऑफिसर का भाई था। तभी एना की बॉडी में हलचल होती है पर वो ऑफिसर नोटिस नहीं करता। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो फ्यूनरल में जाता है और वो भी मरे हुए लोगों से बात कर सकता था और ये बात एलियट नोटिस करता है। एलियट उसे कहता है वो उसे ट्रेंड करेगा और उसे सब कुछ सिखा देगा जो उसने सीखा है। फिर पॉल जैक की बातों पर गौर करता है और उसे याद आता है कि एना ने उस दिन जिस दिन वो उसे प्रपोज करने वाला था उस दिन एना ने अपने ड्रेस के अंदर रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और जैक ने उसे उसी ड्रेस में देखा था, तो शायद जैक सही कह रहा हो। पॉल तब फ्यूनरल होम जाता है, लेकिन एलियट जैक की बातों को झूठ कहकर टाल देता है। वो कहता है वो एक बच्चे की बात पर कैसे यकीन कर सकता है। पॉल उसकी बात नहीं मानता और वो अंदर जाने लगता है। एलियट उसे पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन जाता है और अपने दोस्त से मिलकर कहता है शायद एना जिंदा है और उसे जरूर कोई ड्रग दिया गया है। वहाँ दूसरा ऑफिसर पॉल की बातों में सहमत था। वो कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि एक ड्रग्स है जिसे देकर किसी भी इंसान को पैरालिसिस किया जा सकता है, लेकिन पॉल के पास कोई प्रूफ नहीं था तो पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इधर एलियट एना से बात करता है और साथ साथ उसकी फ्यूनरल की तैयारी करता है। वो एना से पूछता है तुम्हें तुम्हारी लाइफ से क्या चाहिए था? एना कहती है वो बस खुश रहना चाहती थी। एना पॉल को बहुत चाहती थी लेकिन ये बात वो उसे कभी बता नहीं सकी। एना फ्यूनरल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। फिर से एलियट एना को हाइड्रोनियम ब्रोमाइड नाम का ड्रग्स देता है
जिसे देने के बाद बॉडी पैरालाइज हो जाती है। एना एलियट से कहती है, मैं आखिरी बार अपना चेहरा आईने में देखना चाहती हूँ। और फिर से एना की सांस आईने में जम जाती है। आईने को देख एना समझ जाती है कि वो जिंदा है, पर वो कुछ कर पाए इससे पहले वो उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद सभी एना के फ्यूनरल में पहुंचते हैं और पॉल एना को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। एलियट उसकी फोटो लेता है और मरे हुए लोगों के साथ लगाता है। फिर उसे दफना दिया जाता है, मगर एना जिंदा होती है और वो कॉफिन के अंदर से बहुत चिल्लाती है। रात को पॉल बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और वो एलियट से कहता है कि एना जिंदा थी। एलियट कहता है, हाँ शायद एना जिंदा थी, तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो और जाके उसे बचाओ। पॉल कार लेकर एना को बचाने जाता है। दूसरी तरफ एना भी कब्र खोदने की कोशिश कर रही थी। इधर पॉल कब्रिस्तान पहुंच जाता है और वो एना को कब्र से बाहर निकालता है। लेकिन सच तो ये था कि पॉल एलियट के सामने टेबल पर लेटा हुआ था। एक्चुअली में पॉल का एक्सीडेंट हो चुका था और वो हेलुसिनेट कर रहा था कि उसने एना को बचा लिया। एलियट पॉल को बताता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है। एना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। तभी एलियट उसके सीने में बड़ी सी रॉड घुसा कर उसे चुप करा देता है। और उसके साथ जैक भी मौजूद था। और इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। एक्चुअली में एना मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। जानबूझकर एलियट ने उसे मार दिया क्योंकि वो एक साइको सीरियल किलर था। उसका मानना था कि जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, बस ऐसे ही जी रहे हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। जब एना के जाने के बाद पॉल काफी ज्यादा दुखी हो गया था और एना के बिना बस वो ऐसे ही जी रहा था। इसीलिए एलियट ने पॉल का सेम एक्सीडेंट करवाया एलियट ने जैसा एना के साथ करवाया था। एंड में उसने पॉल को भी मार दिया। उसके साथ वहाँ जैक भी मौजूद था जो उसे इन्फ्लुएंस हो रहा था और आगे जाकर वो भी एक सीरियल किलर बनेगा। मूवी का नाम है आफ्टर लाइफ। ये मूवी साल 2009 में आई थी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नई मूवी की स्टोरी के साथ।